नमस्कार, मैं अमन और एक बार फिर से आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में। टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कजाकिस्तान के प्लेयर को बजरंग पुनिया ने बड़े ही आसानी से हरा दिया। 8-0 से ये जीत हासिल की है और भारत को 6th मेडल दिला दिया ओलंपिक में। चारों तरफ खुशी की लहर है। आपको बता दें, कजाकिस्तान का प्लेयर जिस तरीके से पूरे ओलंपिक में खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बजरंग पुनिया को कड़ी टक्कर देगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। बजरंग पुनिया ने बड़े ही आसानी से कजाकिस्तान के प्लेयर को 8-0 से हरा दिया और जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। आपको बता दें, इन सब को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी बजरंग पुनिया को दी जाएगी। और इन सब को लेकर मोदी सरकार ने भी ट्वीट किया है कि आप जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो कह रहे हैं कि भारत के जितने भी प्लेयर हैं सब ने अच्छा प्रदर्शन किया, खास करके आप लगा ले पहलवानों को। इससे पहले भी कि एक कजाकिस्तान के प्लेयर से ही मैच था, उसने एक दांत से बाइट की थी टोक्यो ओलंपिक के प्लेयर को ही, लेकिन उसमें भारत ने एक जीत हासिल की और ये एक इतिहास रच गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप पिछली बार के मुकाबलों को देखें तो उसमें भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, लेकिन इस बार भारत के जितने भी पहलवान हैं या फिर कह ले आप तीरंदाज हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसमें भारत की जय जयकार टोक्यो में हो रही है।